हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राउन बर्ड्स एवेन्यू। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। अब जैसे कोई भी जाता है शॉप पे चला गया या किसी ब्रीडर के पास चला गया, अब उन्होंने क्या बोला कि ये मेल है और ये फीमेल है। कस्टमर क्या करता है, घर पे ले आता है, उसे आते ही उसे ब्रीडिंग बॉक्स दे देता है और वेट करता है कि कभी ये ब्रीड करे मेरे पास, कभी इनके चिक्स निकले अंडों में से। तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो या तो दो मेल उठाकर घर पे ले आए हैं या वो दोनों फीमेल उठा के घर पे ले आए हैं। शॉपकीपर देखिए, उसको अपना जो सामान है वो बेचने तक का मतलब होता है, उसके बाद का उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये पता कैसे करना है, ये आपको करना है कि वो आप घर पे मेल लेके आ रहे हो या फीमेल लेके आ रहे हो। इसका तरीका क्या है, वो तरीका आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा मैं, जिससे आप पता लगा सकते हो बहुत ही आसानी से कि ये मेल है या फीमेल है। तो चलिए आपको मैं अपनी लॉफ्ट की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। अभी फ़िलहाल मैं आपको चारकोल में बताऊंगा मेल और फीमेल का डिफरेंस, और लुटिनो में बताऊंगा। तो अभी मेरे हाथ में फ़िलहाल ये एक चारकोल ग्रे की फीमेल है। अब ये फीमेल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीका क्या पता करने का। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने जो कॉकटेल पकड़ना है वो पकड़ने का तरीका क्या है, हमने इस टाइप में कॉकटेल को पकड़ना है। जो इसका मुंह है, चोंच है, वो आपके बाजू के इस साइड होनी चाहिए ताकि आपकी फिंगर को ना काट पाए, ठीक है। अब मेल और फीमेल का डिफरेंस बताता हूँ आपको क्या है। जो फीमेल होगी, जो इसका ये मार्क देख रहे हो आप, इसकी चिक पे मार्क होता है, ये हमेशा लाइट होगा। फीमेल का मार्क हमेशा लाइट होगा, मेल का डार्क होगा। एक तो ये हो गया पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है मेल फीमेल का पता करने का, जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट तरीका है पता करने का, वो ये है कि आपने जो फीमेल होगी उसके परों को खोलना है। इस तरह से पर खोलने हैं, इस पर में आपको डॉट दिख रहे होंगे, येलो वाइट कलर के डॉट हैं, तो इसका मतलब ये फीमेल है। अगर ये मेल होता तो इसके जो पर हैं वो बिल्कुल क्लियर होते, प्लेन होते, उसमें कोई डॉट नहीं होता। ये डॉटेड है, इसका मतलब ये 100% फीमेल है। अब ये एडल्ट है या चिक है, इसको पता लगाने का क्या तरीका है, आपने जैसे इसके पर खोलने हैं तो ये देखिए, ये जो पर हैं ये नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, बाकी जो पर हैं वो ऊपर की तरफ हैं। अब ये मेल है या फीमेल है ये तो आपको पता चल गया। अब पता हमने ये करना है कि ये चिक्स है, ये चिक है, बच्चा है, पट्ठा है, या ये एडल्ट है। तो इसका पता लगाने का क्या तरीका है, जो ये नीचे की तरफ पर मुड़े हुए हैं इसके, इनको छोड़कर जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको काउंट करना हमने। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये फुल एडल्ट है फीमेल। इसकी 11 कलियां हैं, इस साइड की भी 11 होंगी, दूसरी साइड की भी 11 कलियां होंगी। इस साइड पे भी आपने डॉट देखे परों के अंदर, और आपको दूसरी साइड भी डॉट दिखेंगे। ये देखिए, ये काटने की कोशिश कर रही है, पर इस तरीके से अगर आप पकड़ोगे इसे तो आराम से इसे होल्ड कर पाओगे और ये काट भी नहीं पाएगी। तो ये ग्रे फीमेल है चारकोल, इसको मैं अभी केज में रिलीज़ कर देता हूँ। अभी एक फीमेल तो देखिए हमने देख ली, अभी क्या है मेल कैसे पता करना है कि मेल कौन सा है। ये देखिए,
मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे तो ये चोंच मारने का आपको पूरी कोशिश करेगा और मार भी देगा। इसको सही तरीका क्या पकड़ने का, इस तरह से आपने फिंगर डालनी है इसके गले में, जो इसकी चोंच वाली साइड है वो आपने फिंगर के कॉर्नर तक ले जानी है। अब देखिए ये जो कॉकटेल है ये मेल कॉकटेल है। अब इसका मैंने पता कैसे लगाया, एक तो देखिए सबसे पहला जो इसका मार्क है यहाँ पे चिप पे, ये डार्क है, लाइट नहीं है, डार्क है। सेकंड तरीका, इस तरीके से आप एक तो पता लगा सकते हैं। सेकंड जो मैंने पहले बताया, फीमेल का आपने देख लिया कि डॉटेड है, अब मेल का क्या है ये देखिए, मेल बिल्कुल क्लियर होगा। इसके राइट वाले बाजू पे भी कोई डॉट नहीं मिलेगा आपको, लेफ्ट वाले पे भी नहीं मिलेगा, ये देखिए। अभी फ़िलहाल ये झाड़ पे है, पुरानी कलियां झाड़ के नई कलियां लेके आ रहा है ये हो गया मेल। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ, पहला तरीका तो हो गया मार्क, सेकंड तरीका हो गया डॉट। अब जो तीसरा तरीका है इसका, तीसरा तरीका बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं सिर्फ उन्हीं को ये पता होता है। तो जितना मेरा मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जो तीसरा तरीका है इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर एक बार आपको वो आ गया तो आप कभी भी मेल फीमेल में डिफरेंस करने में मात नहीं खाओगे। तो ये देखना आपने, जो इनकी नीचे की साइड है, जो फीमेल होगी उसकी हड्डी होगी खुली, जो मेल होगा उसकी हड्डी होगी बंद, बंद मतलब बिल्कुल बंद नहीं होगी, उसका थोड़ा मुंह खुला होगा। जो फीमेल होगी, फीमेल का नीचे से ज़्यादा मुंह खुला होगा, जहाँ से ये अपना वेस्ट वगैरह करते हैं उस साइड पे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेल और फीमेल का डिफरेंस का पता लगाने का। देखिए कॉकटेल को मैंने आराम से पकड़ा हुआ है, इसको कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके से आपने कॉकटेल को पकड़ के मेल और फीमेल का डिफरेंस पता लगा लेना है। इसको मैं अब देखिए कॉलोनी में रिलीज़ करने लगा हूँ, क्योंकि ये ओपन एवेरी में है मेरी, ये देखिए ये कॉलोनी में है। अभी क्या, अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे घर का पट्टा है, चिक है जो, उसमें मेल और डिफरेंस का आपको मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ग्रे का ही बता रहा हूँ आपको, कि ग्रे में पता कैसे लगाना है कि ये मेल है या फीमेल है। ये देखिए इसकी जो मैं एज है वो आपको एज बता देता हूँ, एज क्या है इसकी, एज है 17th August 2020। तो अभी फिलहाल ये तकरीबन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी ये 4.5 महीने के आस अभी ये 4.5 महीने के आसपास का बच्चा है। और ये देखिए इसमें जो तरीका है वो पता लगाने का मेल फीमेल का, सेम वही है, ये देखिए। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, जब कॉकटेल का जो बच्चा होता है, चिक होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके परों पे आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड डॉट देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप किसी शॉप पे विजिट करते हो अपना कॉकटेल परचेज करने के लिए, तब आप शॉप पे देखिए आपको कभी भी अडल्ट पेयर नहीं मिलेगा, हमेशा चिक ही मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे कॉकटेल के, कभी भी अडल्ट पेयर नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है किसी के पास अगर कोई अडल्ट पेयर आया हुआ तब वो सेल कर देता है, अदरवाइज कभी आपको शॉप पर अडल्ट पेयर नहीं मिलेगा। तो जैसे आप शॉप पर जाते हैं तो आपने क्या देखना है, वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न क्या होती है, मेल के भी डॉट है फीमेल के भी डॉट है, क्योंकि वो अभी पट्टा है, ठीक है, अभी छोटा है, तो दोनों परों पे आपको डॉट मिल जाएंगे। अब इसका पता कैसे लगेगा कि ये मेल है या फीमेल है, फर्स्ट आपने क्या देखना है, जो इसका जोड़ है, जो इसका वेस्ट, जहाँ से वेस्ट अपना निकालते हैं उस जोड़ को देखना है आपने, वो अगर तो वो खुला है तो वो फीमेल है, अगर तो वो बंद है तो वो मेल है, एक तरीका ये हो गया। सेकंड आपने मार्क देखना है, मार्क देखना तब
जब आपको लगे कि इसका जो कलर है कॉकटेल का वो पूरा मोल्ट हो रखा है, जब पूरा कलर मोल्ट हो रखा होगा तभी आपको पता चलेगा इस निशान के बारे में कि ये एडल्ट, कि ये मेल है या फीमेल है, तब जाकर पता चलेगा। तो ये तरीका हो गया पता लगाने का, ये चिक से आप ऐसे पता लगाएंगे। तो देखिए अब होगा क्या, इसका पता कैसे चलेगा ये मेल है या फीमेल है, जब इसकी एज 1 साल के लगभग पहुंचने वाली होगी, जैसे लगा लीजिए आप 10 महीने के आसपास इसकी एज हो गई है, तब जाकर इसका पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है। ये पूरे पर अपने एक बार साफ करेगा, झाड़ेगा, नए पर आएंगे। अब जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें, ये देखिए इसके नए पर आ रहे हैं, ये 2 कलियाँ इसकी नहीं आ रही है, पुरानी इसने झाड़ दी, ये 2 कलियाँ नहीं आ रही है। अब ये 2 कलियाँ इसमें अभी फिलहाल अभी नहीं पता चलेगा, जब ये कली बड़ी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है। इस पे भी डॉट निकल सकते हैं अभी, क्योंकि कली अभी छोटी है। तो इस तरीके से आपने पता लगाना है मेल फीमेल का। अभी मैं इसको रिलीज करता हूँ कॉलोनी में, इसके बाद मैं आपको एक और पेयर दिखाता हूँ, मेरा अडल्ट पेयर है लुटिनो का। अब देखिए इसमें जो मेल फीमेल का डिफरेंस है लुटिनो के अंदर, अभी मैंने आपको चारकोल के अंदर तो दिखा दिया कि मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे है, अब लुटिनो के अंदर कैसे पता लगाना है आपने मेल फीमेल का। अभी ये देखिए मेल है, फर्स्ट इसका आपने मार्क देखना, ये डार्क है, लाइट होता तो ये फीमेल होती। और सेकंड अभी आपने इसके पर चेक करने हैं, ये देखिए इसके जो पर हैं बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए इसके पर हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, ये मेल है 100% ये मेल है। अगर इसके परों में डॉट होते, येलो कलर के डॉट होते, येलो वाइट कलर के स्पॉट होते, तब ये होता फीमेल। तो लुटिनो के अंदर ऐसे पता चलता है, लुटिनो के अंदर भी आपको डॉट देखने को मिलेंगे मेल और फीमेल के अंदर। तो इस तरह से आपने मेल और फीमेल का डिफरेंस को बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉकटेल जो हमने परचेज किया मार्केट से या किसी ब्रीडर से वो 100% मेल है या फीमेल है। तो बहुत इजी से स्टेप हैं, फर्स्ट हो गया जो उसकी चिक पे मार्क है, सेकंड हो गया आपने चेक करना है जो उसके परों के अंदर डॉट है, थर्ड हो गया जो उसके जो वेस्ट वाली उसकी जगह है उसमें अगर खुला है तो फीमेल है, अगर वो थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा कम खुला है वो, तो वो मेल हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पाइड कॉकटेल हैं, ग्रे पाइड हो गया या लुटिनो पाइड हो गया, एल्बिनो हो गया, बटरफ्लाई मार्किंग हो गया, उनके अंदर हम मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी कमेंट है, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।